एक बड़ी खबर अमेरिका के टेनेसी राज्य से आ रही है। वहां पर एक स्कूल में गोलीबारी हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है। एक महिला हमलावर थी है, जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 3 बच्चों की मौत की खबर भी यहां पर आ रही है और अमेरिका एक बार फिर से गोलीबारी से दहल उठा है। अमेरिका में ये कोई नई बात नहीं है कि वहां इस तरह की घटना हुई है, वहां गोलीबारी हुई है, लेकिन ये स्कूल में गोलीबारी हुई है। इससे पहले भी स्कूलों में वहां पर गोलीबारी होती रही, लेकिन एक महिला ने ये गोली चलाई है। उस महिला को मार गिराया गया है। कुल 7 लोगों की मौत हुई है। एक स्कूल में महिला वहां पर गोली चला देती है और ये स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल है। फिर से अमेरिका में गोलीबारी हुई है। टेनेसी के नैशविले में एक प्राइमरी स्कूल में हमलावर ने गोलीबारी की, जिसमें कुल 7 लोगों की मौत हुई है। 3 बच्चे भी हैं और इस हमलावर को, जो कि एक महिला थी, इसे मार गिराया गया है और इसको सुरक्षा बलों ने वहीं पर ढेर कर दिया। तो अमेरिका एक बार फिर से गोलीबारी से दहला है। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना हुई है। हमलावर ने एक स्कूल में जाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं। नैशविल क्रिश्चियन स्कूल की यह घटना है। 7 लोगों की मौत हुई और हमलावर एक महिला थी। इसने स्कूल की इमारत में प्रवेश किया और उसके बाद दूसरी मंजिल पर यह पहुंच गई, जहां पर पुलिस ने उसे घेरा और पुलिस ने इस महिला हमलावर को मार गिराया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार टेनेसी के नैशविले में इस स्कूल में महिला ने यह गोली चलाई है। पुलिस पहुंचती उससे पहले ही कई लोगों को गोली लग चुकी थी और कई लोग वहीं दम तोड़ चुके थे। ये कहा जा रहा है कि घायलों की जो संख्या है वो काफी अधिक हो सकती है, क्योंकि इस महिला ने काफी देर तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। नैशविले पुलिस ने यह भी बताया है कि कॉन्वेंट स्कूल कोवोनेंट चर्च में गोलीबारी की घटना हुई और मेट्रोपोलिटन नैशविले पुलिस ने इस महिला को घेरा, इसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन इस महिला ने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें इस महिला की मौत हो गई है। अधिक जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल 3 बच्चों की मौत की खबर भी आ रही है, जो कि एक गंभीर बात है। बीते दिनों अमेरिका में लगातार इस तरह की गोलीबारी की घटनाओं को आप और हम देखते सुनते आ रहे हैं, हम आपको खबरों में दिखाते रहे हैं। एक गुरुद्वारे में भी वहां पर कैलिफोर्निया में गोलीबारी हुई थी, फायरिंग की खबर आई थी। यहां भी 3 लोगों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी और 2 लोगों की मौत बाद में, इनकी स्थिति गंभीर थी, बाद में मौत हुई थी। और इस तरह लगातार अमेरिका में जो गोलीबारी की घटनाएं हैं वहां पर रुक नहीं रही हैं। गन कानून को लेकर भी वहां लगातार बात उठती रहती है, लेकिन इस बार जो घटना है वो गंभीर इसलिए है कि एक बार फिर से स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है और उसमें 3 बच्चों की मौत की खबर भी आती है, जो कि गंभीर है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फायरिंग में 3 बच्चों समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई है। मतलब ये कि 4 लोग, 3 बच्चे और एक महिला गोलीबारी करने वाली, जिसने गोली चलाई थी, उस महिला को भी सुरक्षा बलों ने वहीं पर ढेर कर दिया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस महिला को ये कहा कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो महिला लगातार गोली चलाती रही और पुलिस ने इस महिला को मार गिराया। अगर पुलिस इस महिला को नहीं मार गिराती तो ये महिला और भी लोगों को मार सकती थी। इस गोलीबारी की घटना में कुछ टीचर्स भी घायल हुए हैं। हालांकि अभी ये बात पता नहीं चल पाई है कि 4 लोग जो मारे गए हैं वो टीचर हैं या कोई और लोग।